Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. जीजे ज्वेलर्स मिथिलांचल की प्रथम हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम मिथिलांचल का गौरव। जीजे ज्वेलर्स राजकुमारगंज मिर्जापुर। प्रयास संस्थान के द्वारा लोगों के बीच बांटी जा रही है भोजन, कपड़े और मेडिसिन किट। कोरोना अनलॉक के सेकेंड फेज में प्रयास ग्रुप अब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच कपड़े, भोजन, मास्क, सैनिटाइजर और मेडिसिन किट का वितरण की शुरुआत कर रही है। इसी क्रम में आज प्रयास ग्रुप के द्वारा दरभंगा शहर के DMCH में जरूरतमंदों के बीच भोजन, कपड़े के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और मेडिसिन किट बांटा गया। अनलॉक फेज लोगों के लिए कई समस्या लेकर आ रही है। लोगों को रोजगार की तलाश है, इलाज की जरूरत है और ऐसे समय में प्रयास टीम उनका समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है और तत्काल तौर पर जीवन की मूलभूत चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, बॉडी पेन जैसे बीमारियों के लिए मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। कोई भूखा न सोए इसके लिए उनका पेट भरने का प्रयास कर रही है। मौके पर प्रयास संस्थान के अध्यक्ष सदाब अख्तर ने बताया कि उनकी टीम लगातार लोगों की मदद करती आ रही है। उनके द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है जिससे लोग उन अपनी जरूरत को साझा कर सकते हैं और उनकी टीम उनको जरूरतों के अनुसार उन तक यथासंभव प्रयास करती है। आगे देखिए संस्थान के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा आज के वितरण के विषय में। संभव प्रयास, जहाँ पे दिक्कतें हैं वहाँ पे हर संभव प्रयास, हर तरीके की प्रयास, चाहे वो DMCH हो या कोई एक आम स्लम एरिया हो, हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि जहाँ ज़रूरतमंद हैं वहाँ हम पहुँच के उनके लिए कोशिश करते हैं। और जैसा कि आज हम लोगों काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे कि तुम DMCH नहीं जाते हो, DMCH जाके देखो कि वहाँ का क्या माहौल है। हम यहाँ पर आए हैं, लगभग लोगों के पास मास्क नहीं था। लोगों को हमने मास्क दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, उसके साथ जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो पैनिक हैं, तो उनको हमने समझाया भी है। और जहाँ तक मेरी बात पेशेंट के अटेंडेंट से हुई तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पहली जैसी दिक्कतें नहीं है, तो मतलब जो प्रयास है लोगों का उससे काफ़ी हद तक सुधार आया है, ये कह सकते हैं। प्रयास का प्रयास लोगों की मदद करना, लेकिन प्रयास का ये प्रयास नहीं होगा कि DMCH की शक्ल और सूरत बदल जाए। अभी तो हम खुद ही आ रहे हैं, फिर तो मेरी गाड़ी फंस गई थी, अब हम क्या ही बताएं आपको, लेकिन प्रयास चल रहा है हमारा। आने वाले दिनों में ये भी हालत, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की कोशिश हम लोगों की है, ये चीज़ें भी आपको नहीं दिखेगी। कोशिश है, सरकार से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, बेहतर प्रयास करते रहेंगे। प्रयास का प्रयास सफल होगा, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग छीन रहे हैं सरकार चीज़ों को, छीन के ला रहे हैं लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, तो प्रयास हमारा चलता ही रहेगा और हमेशा ही चलता रहेगा। प्रयास सफल हम कहाँ तक हो पाएंगे, हम सब मिलकर के एक प्रयास टीम को मजबूत करेंगे, यानी जहाँ पर जिनको जो चीज़ की ज़रूरत होगी हम लोग का मेन मोटिव है वहाँ तक पहुँचना, चाहे वो दवा से हो, खाना से हो, राशन से हो, या कपड़े से हो, या जो चीज़ से। शादी में भी आज दो तीन दिन पहले हम लोगों के यहाँ से हेल्प मिला है, यानी जहाँ तक हो सकेगा हम लोग का प्रयास जो नाम है वो मुहिम करेगा, काम करेगा, वहाँ तक कर पाऊँगा। ये काम ये था कि हम ग्राउंड लेवल से आने के लिए वो जाना चाहते थे, इसलिए मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपके पेशेंट्स को फर्स्ट टाइम डिफरेंट देखिए कि उनके साथ क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम थी वो सबसे ज़्यादा तो थी कि उनको तीनों टाइम का फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा था, उसके आगे रिजल्ट हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकेंड प्रॉब्लम था कि घर बेसिक मेडिसिन से उनको पानी स्वास्थ्य करके रोड पर डाला था, तो उसके लिए हमने बेसिक मेडिसिन के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।